أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين और अपने रब का सुबह शाम जिक्र किया करो अपने दिल में भी आजिज़ी और खौफ के जज्बात के साथ और ज़बान से भी आवाज़ बहुत बुलंद किए बगैर और उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफलत में पड़े हुए होते हैं। सूरह आराफ़ की 105 नंबर की आयत आपके सामने पढ़ी गई है। कल आपके सामने कुरान करीम के कुछ आदाब बयान किए गए थे कि क़ुरान करीम को जब पढ़ा जाए तो उसको सुनना भी चाहिए और ख़ामोश भी रहना चाहिए, और ऐसी जगह क़ुरान पाक का पढ़ना जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे या किसी की नींद के अंदर खलल पड़ता हो या किसी की इबादत के अंदर खलल पड़ता हो, ज़ोर से बुलंद आवाज़ से क़ुरान नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से इस वक्त जो आयत करीमा पढ़ी गई है 205 नंबर की, उस आयत करीमा में ज़िक्र के कुछ आदाब बयान किए गए हैं। कल तो कुरान करीम के कुछ आदाब शराइत बयान किए गए थे, इस आयत करीमा में ज़िक्र के कुछ आदाब शराइत बयान किए गए हैं। एक तो ये बयान किया गया कि ज़िक्र करो अपने दिल में। इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ज़िक्र दो किस्म का होता है, एक तो ये कि ज़िक्र कल्बी, एक होता है ज़िक्र लिसानी। एक है ज़िक्र कल्बी, क्या है? दिल दिल में अल्लाह का ज़िक्र करना, ज़बान से अल्फाज को अदा नहीं करना, सिर्फ दिल दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई और जो है अल्लाह का खौफ और डर दिल के अंदर पैदा करना, दिल दिल के अंदर तसव्वुर में अल्लाह को लाना। और एक क्या? ज़िक्र लिसानी, यानी ज़िक्र को ज़बान से अल्फाज को अदा करना, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये क्या है? ज़िक्र लिसानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कल्बी भी साबित है और ज़िक्र लिसानी भी साबित है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़िक्र के अंदर मशगूल रहते थे। तो बाज़ उलमा ने सवाल किया और ख़ुद ही जवाब भी दिया। सवाल क्या किया? सवाल ये किया कि 24 घंटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र में रहते थे, तो बाद ऐसे मौाक़े भी आते जहाँ पर ज़िक्र करना मना है, फिर वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा ज़िक्र करते थे? तो उसका फिर जवाब दिया उलमा ने। उलमा का उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है कि सवाल ही खुद ही पैदा कर रहे हैं और फिर जवाब भी दे रहे हैं। सवाल ये किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ज़िक्र के अंदर मशगूल रहते थे, तो बाद मौक़ों पर तो ज़िक्र ममनू है, नाजायज़ है, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र कल्बी करते थे। मिसाल के तौर पर आप बैतुलखला गए, बैतुलखला के अंदर आप ज़िक्र लिसानी तो नहीं कर सकते, ज़बान से अल्फाज को अदा तो नहीं कर सकते, तो ऐसे मौक़ों पर दिल से ज़िक्र कर सकते, दिल से अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का तसव्वुर कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र जो जहरन करते थे या सिर्रन करते थे, बुलंद आवाज़ से करते थे या आहिस्ता आवाज़ में करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों किस्म का ज़िक्र करते थे, कभी जहरन करते थे, कभी सिर्रन करते थे, यानी कभी बुलंद आवाज़ से करते थे, कभी जो है आहिस्ता आवाज़ में करते थे। जैसा मौका होता था उस मौके के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र करते थे, कभी बुलंद आवाज़ से। इसी तरीके से हमारे लिए भी कभी जो है ज़िक्र बुलंद आवाज़ से भी अगर हम करें वो भी जायज़ है, लेकिन फिर वही शर्त है कि किसी को हमारे ज़िक्र से अजियत न पहुँचे, किसी की नींद के अंदर खलल न पड़ता हो और किसी के जो है इबादत में या किसी के काम में कोई खलल न पड़ता हो। तो ज़िक्र कभी आहिस्ता भी किया जा सकता है, कभी बुलंद आवाज़ से भी किया जा सकता है। एक वाक्या मुझको याद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी रातों को उठ करके अपनी उम्मत की खबरगिरी फरमाते थे, देखते थे
वो जमाना खैर का जमाना था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उठ करके गश्त फरमाते थे कि गलियों में घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तिलावत की आवाज़ आ रही, जिक्र की आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ से गुजरे, तो आवाज़ बिल्कुल धीमी आवाज़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, तिलावत की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी। उसके बाद फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ से गुजरे, तो देखा कि वो ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत कर रहे, बुलंद आवाज़ से, उनकी आवाज़ पहले से बुलंद थी। तो एक एक आदमी की आवाज़ होती है बुलंद होती है, बात करे ऐसा दिखता गुस्से में बात कर रहे हैं, हालांकि बेचारा गुस्से में बात नहीं कर रहा, उसके जज्बात को उसके अंदाज को आदमी को समझना पड़ता है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बुलंद थी। सुबह हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर हुए और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर हुए। दोनों साहब जब हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अबू बकर, आप रात को नमाज में तिलावत बिल्कुल धीमी आवाज़ में क्यों कर रहे थे? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उस ज़ात को अपनी तिलावत सुना रहा था जो ज़ात समीउल बसीर है, सुनने वाली है, देखने वाली है। हम आहिस्ता पढ़ें जब भी उनको मालूम, बुलंद आवाज़ से पढ़ें जब भी उनको मालूम, बहरे कैब उनको मालूम है, उस ज़ात को मैं सुना रहा था। अबू उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जो पूछा कि आप तिलावत कर रहे थे, आवाज़ बहुत बुलंद थी आपकी, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं सोतों को जगा रहा था, शैतान को भगा रहा था, सोतों को मैं जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपनी आवाज़ को ज़रा बुलंद कीजिए, और ए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपनी आवाज़ को ज़रा पस्त कीजिए, न ज़्यादा आवाज़ धीमी हो और न ज़्यादा आवाज़ बुलंद हो, बिल्कुल औसत दर्जे की आवाज़ में आप दोनों तिलावत कीजिए। तो पता ये चला जिसके जिक्र जहरन भी किया जा सकता है और जिक्र सिरन भी किया जा सकता है, लेकिन नामो नमूद रियाकारी दिखावा ना हो कि दिखाने के लिए कोई जिक्र कर रहा, नामो नमूद के लिए जिक्र कर रहा, देखो फना आदमी बहुत जो नेक आदमी है, फना आदमी बहुत जिक्र अजकार के अंदर मुबतला रहता है। अगर ऐसा मौका हो कि नामो नमूद का अगर किसी को खदशा हो तो ऐसे मौक़ों पर जिक्र सिर्री करना चाहिए, जिक्र जहरी के बजाय।